नमस्कार, चलो गांव चलो के प्रोग्राम के तहत आज हम चलते हैं नारनौल से 6 किलोमीटर दूर स्थित रघुनाथपुरा गांव में, और आपको चलकर के दिखाएंगे कि रघुनाथपुरा का क्या है इतिहास, क्या है रघुनाथपुरा में खास। चलो गांव चलो के एपिसोड में आज हम हैं रघुनाथपुरा नारनौल के पास स्थित है इस गांव में, और यहां हमारे साथ बाबा हैं, इनसे जानते हैं। बाबा, आपका नाम क्या? दयानंद पीटीआई। ये बताइए कि रघुनाथपुरा जो गांव है ये किस तरह से बसा था, इस विषय में आपको कुछ पता हो, किसने बसाया था और कितना पुराना गाँव जो है, आपने सुना हो अपने बुजुर्गों से, कितना पुराना गाँव है? 300 के लगभग तो पुराना है, साल पुराना है जी। और किसने बसाई ये पता नहीं, हमारे दादा आफरिया गो थे यहाँ। अच्छा, तो इधर रेवाड़ी से नांगड़ पठानी में आफरिया, तो वहाँ से कुछ बुड्ढे आए होंगे यहाँ जी, अंदाजा है जी। तीन में से एक दो बुड्ढा यहाँ कुलतासपुर गाँव है बुजुर्ग, वहाँ चले गए। अच्छा, तो उसके अनुसार ये परिवार बढ़ता गया, 450 लगभग गाँव है अब, अभी घर हैं इसके अंदर। अच्छा, तो ये गांव जैसे इसके विषय में सुना है कि ये पहले पहाड़ी के उस साइड था, ये इस तरह से हुआ है कुछ? हाँ है ऐसा भी, ये मुंडिया पहाड़ है जी, उसके नीचे अब भी खंडर मिलते हैं। अच्छा, कुछ दीवारें हैं पुराने मटकों के टूटे हुए, छिलर मिलते हैं, अवशेष मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ से और इधर कब आया फिर इस विषय में? वहाँ से 400 साल पहले कोई बीमारी आ गई थी। अच्छा, तो एक को तपला देखा था, चार बड़ा पाव था। हाँ, हाँ। इसलिए वहाँ से लोग भाग के दूसरी जगह पलायन कर चुके थे। अच्छा अच्छा, कुछ बचे खुचे थे वह इधर आकर बस गए। हाँ, यहाँ रह गए। ऐसे डाकू लुटेरों का भी डर रहता था जी जी, पहाड़ के पास जाते भैंस पार्टी चोर ले जाते और कुछ कहते, उसकी बजाय ये पहाड़ है जी जी। हाँ, इसे कुछ नीचे आके बस गए, कुछ ये भी कारण है। अच्छा अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि गांव के अंदर 400 450 के आसपास जो है घर हैं, अगर हम बात करें गांव की आबादी की, तो आबादी कितनी होगी गांव की? आबादी 2500 के समथिंग है। 2500? हाँ, 2500 के समथिंग है। हाँ जी। और बात करें कि कौन सी जाति बाहुल्य गांव है, इस गांव के अंदर कौन सी जाति के ज़्यादा लोग? यादव जाति के ज़्यादा लोग हैं। यादव। अच्छा, सर्विसेज में बात करें तो कौन कौन सी सर्विसेज में इस गांव के लोग? शिवलिंग में ज्यादा है जी। अच्छा, हाँ, वैसे सेना में भी है। हाँ, सिविल सर्विसेज में। सिविल में कौन से हैं? मास्टर लोग हैं, मास्टर हैं, क्लर्क हैं, डॉक्टर हैं। अच्छा, तो जो है सिविल सर्विसेज में इस गांव के ज़्यादा हैं। और एजुकेशन जो है, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष करके बता रहे हैं कि गांव का जो है काफ़ी रुझान रहा है। अच्छा, गांव की बाबा सुविधाओं की बात करें तो आपके गांव के विषय में, जैसे स्कूल, कौन सी क्लास तक का स्कूल है, इसके अलावा एक जो है सेंट्रल जो स्कूल है वो भी है आपके गाँव में, तो उसके विषय में बताएँ हमें। हाँ जी, एक प्राइमरी स्कूल है, उसके दूसरा केंद्रीय विद्यालय है, और प्राइवेट संस्था भी है। और क्या कुछ है, जैसे पटवार घर वगैरह इस तरह की कोई सुविधा है? पटवार घर की सुविधा नहीं है यहाँ पर, पंचायत है, पशु पंचायत घर है, पशु हॉस्पिटल है, पीएचसी भी सेंटर है। अच्छा, पीएचसी सेंटर भी? हाँ, पीएचसी सेंटर भी है, आंगनवाड़ी भी है, डाकघर भी है। आंगनवाड़ी केंद्र और डाकघर भी। बैंकिंग की कोई, बैंकिंग की कोई सुविधा है गाँव के अंदर, बैंक वगैरह है कोई? बैंक नहीं है। हाँ अच्छा, तो देखिए शहर के नज़दीक है इसलिए बैंक की वो नहीं है। नारनौल से इसकी दूरी 6 किलोमीटर? नहीं, 4-5 किलोमीटर। अभी काफ़ी, क्योंकि नारनौल भी जो है काफ़ी फैल कर जो है भारत तक आ चुका है। हाँ, तो इस तरह से जो रघुनाथपुरा गांव है इसकी दूरी नारनौल शहर से 4-5 किलोमीटर दूर स्थित है। और ये बताइए कि आपके गांव में क्या कुछ ऐसी खास चीज़ है कि गांव के अंदर कोई बाहर से व्यक्ति आए तो आप उसको बताओ कि वो चीज़ वो देखे ज़रूर, कोई ख़ास चीज़ गांव की ऐसी? खास चीज़ हमारा हनुमान जी का मंदिर हो गया जी। एक और मंदिर बाबा जट्ठू का है, ये बढ़िया मंदिर है। अच्छा,
और ये पहाड़ी एरिया, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया बरसात के टाइम में बहुत रौनक देते हैं, इसलिए यहाँ पर चहल पहल रहती है। हाँ, रमणीय स्थान तो बहुत देखने योग्य जगह है ये। हाँ, तो देखिए बिल्कुल रघुनाथपुरा गांव जो है ये बिल्कुल पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है, और हम आपको दिखाएंगे आगे चल करके गांव भी दिखाएंगे, गांव के साथ में जो बाबा ने बताया है एक NH-11 जो है कनेक्टिविटी की, रोड कनेक्टिविटी की कोई किसी प्रकार की यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँगा उधर दिखाइए सामने जो है, ये बिल्कुल देखिए सामने जो दिखाई दे रही है NH-11 की जो सड़क जा रही है ये गांव के पास से गुजरती है। इसके साथ साथ जो हम गांव की प्रमुख सतली की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें बताया गया है कि गांव के अंदर सब सड़क गलियां पक्की हैं, गांव की जो है सभी गलियां पक्की हैं, और इसके साथ साथ गांव में एक प्रसिद्ध, अच्छा हाँ ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे नारनौल या इससे आगे के क्षेत्र में हम चलते हैं तो पानी की एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो यहाँ किस तरह की सुविधा है? यहाँ जी नहरों का पानी आ रहा है। अच्छा, नहर शहर के नज़दीक है तो शहर में पानी आएगा तो हमारे पास हमें भी मिलेगा, यानी कि नारनौल में पानी की सुविधा है, वो सुविधा आपको भी हमें भी मिल रही है, है। इसलिए हमें फायदा हो रहा है, कोई किसी प्रकार की पानी की प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हमने देखा है कि आसपास के आगे कमी है पानी की, गैली साइड को जाते हैं वह भी पानी, गवर्नमेंट ने पानी भेज दिया लेकिन व्यवस्था नहीं है उधर। अच्छा, व्यवस्था सही नहीं होगी वहाँ से, व्यवस्था हाँ व्यवस्था का फर्क होता है। जी जी जी, यहाँ व्यवस्था ठीक चल रही है इसलिए आप पानी की लाइट हो बढ़िया और लाइट सिटी लाइट है। अच्छा, सिटी लाइट की भी सिटी लाइट है। अच्छा, गांव की बात करें तो गांव में कोई ऐसा प्रमुख व्यक्ति रहा हो जो ऊंचे पदों पर गया हो, इस तरह से कोई है आपकी नज़र में? ऊंचे पदों पर तो हमारे रिटायरमेंट हेडमास्टर है, उनसे ऊंचा तो कोई पद नहीं मिला किसी को, कैप्टन भी आया हुआ था पहले। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो इस तरह से जैसे बाबा ने हमें गांव के बारे में बताया, विस्तार से बताया है कि किस तरह से एक लड़का ये कैसे 82 में घुड़सवारी में था। अच्छा, तो वो भी क्या कैप्टन है, वो कैप्टन से आया। तो इस तरह से बाबा ने जो है हमें गांव के विषय में बताया, और कि गांव किस तरह से बसा था, क्या इसका इतिहास रहा है ये हमने जाना, और अब हम गांव के अंदर चल कर के देखते हैं गांव की जो गलियां बता रहे हैं सभी पक्की हैं किस, और कितने पुराने जो हैं गांव के अंदर मकान बने हुए हैं, और गांव की सारी चीज़ें हम देखते हैं, और जो प्रमुख स्थल यहाँ का जो बताया है हनुमान मंदिर जो है पहाड़ी के पास फायरिंग रेंज के पास स्थित है वहाँ भी चलेंगे, वो भी आपको दिखाएँगे। रघुनाथपुरा गांव में घूमते घूमते अब हम हैं, ये है रघुनाथपुरा के केसरिया धाम में स्थित हनुमान जी का मंदिर, देखिए दिखाना चाहेंगे, और यहाँ पर जो है हर मंगलवार को बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और देखिए अब जबकि तापमान लगभग 42-43 डिग्री के आसपास जा रहा है लेकिन श्रद्धालुओं की भक्ति के अंदर कोई कमी नहीं है, अभी भी भारी तादाद में श्रद्धालु आज भी यहाँ आए हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ जो है केसरिया धाम के अंदर दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे आपको कि ये जो मंदिर था इसकी शुरुआत आज से 8-10 साल पहले एक केवल ऊपर ये हनुमान जी की एक प्रतिमा होती थी उस हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे इस मंदिर का जो है उद्धार और इससे केसरिया धाम का उद्धार होने लगा, और ये उद्धार का अगर श्रेय जाता है इधर दिखाना चाहेंगे आपको, जो ये सामने आप जो पार्क और जो इतनी सुंदर व्यवस्थाएं देख रहे हैं इनका अगर श्रेय जाता है तो वो श्रेय जाता है यहाँ पर नारनौल के अंदर SP आए थे हामिद अख्तर। हामिद अख्तर ने इस धाम का नाम केसरिया धाम, और देखिए आपको बताएं केसरिया धाम इसलिए भी रखा है कि ये हनुमान जी से संबंधित है, साथ साथ प्रत्येक चीज़ को केसरिया रंग, चाहे वो पोल हो चाहे बेंच हो कुछ भी हो हर चीज़ को केसरिया रंग दिया गया है, और यहाँ घूमने के लिए आने वालों के लिए बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था है। इसके साथ साथ आगे की तरफ सामने जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है वहाँ पर हरियाणा पुलिस का फायरिंग रेंज है, और ये क्षेत्र चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और इस तरह से बहुत ही सुंदर और रमणीय क्षेत्र जो है ये है केसरिया धाम का। और इसके अंदर यहाँ जो आगे चल कर के जो है एक छोटा सा
पक्षियों के और कुछ जलीय जंतु भी जिसके अंदर बतख वगैरह भी रखे गए हैं और कुछ और जो दूसरे जीव जंतु हैं उनके लिए भी एक छोटा जू टाइप में भी कुछ बनाया हुआ है। अभी हमारे साथ कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, उनसे जानते हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम? मेरा संतोष कुमार। संतोष कुमार, कहाँ से आए हैं? मैं खेतड़ी से। खेतड़ी से, राजस्थान से आप आए हैं। तो यहाँ आने के पीछे क्या कोई आपकी श्रद्धा है, कुछ मन्नत मांगी हुई थी, किस विषय में आए हुए? हाँ जी, मैं मन्नत मांगी हुई थी, मेरा अटूट विश्वास है बालाजी पर। मैं अभी से नहीं, कम से कम 15 साल से इसका व्रत कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आपका नाम? सुनील कुमार। कहाँ से आए हैं? खेतड़ी से। अभी खेतड़ी से आपके आने के यहाँ वजह क्या है, कारण क्या? हमारी मन्नत ये है, मनोकामना पूरी हो जाए तो हम भी बाबा का बहुत ही बहुत अच्छा हो। देखिए, तो इस तरह से जो है आए हुए हैं, अपनी मन्नतें लेकर के, अपनी मन्नतें मांगते हुए यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, जबकि गर्मी जो है अपने चरम पर है, बावजूद इसके ये श्रद्धालु आए हुए हैं। नाम बता, किसे आएगा? नाम बता, क्या नाम है? नीचे बोल, इसमें नाम बता के। क्या नाम है बेटे? पूरव। कहाँ से आया है बोल दो। सागरपुर से। सागरपुर से आया है। अच्छा। बालाजी का मंदिर में आया है। हाँ, तो देखिए इस तरह से जो है ये छोटे छोटे बच्चे और सभी जो है भक्त यहाँ आए हुए हैं। चलो गांव चलो के आज के प्रोग्राम में हमने आपको रघुनाथपुरा गांव के बारे में बताया, रघुनाथपुरा के इतिहास के बारे में बताया, रघुनाथपुरा में प्रसिद्ध चीज़ें हैं उनके बारे में बताया, और जो यहाँ का प्रसिद्ध जो है केसरिया धाम है, हनुमान मंदिर है, उसके बारे में आपको रूबरू करवाया। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में किसी दूसरे गांव के इतिहास को लेकर के। तब तक देखते रहिए टेलको मीडिया। कैमरामैन दिग्विजय के साथ करमवीर सिंह, टेलको मीडिया।